डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर से कुशल कांवड़ यात्रा के समापन पर शनिवार को मेरठ से बेहद दुखद खबर सामने आई है। करंट की चपेट में आने से 5 कांवड़ियों की मौत हो गई है, जबकि 16 से ज्यादा झुलस गए हैं। यह हादसा राली गांव चौहान के पास हुआ है। दरअसल गांव के कांवड़िए घर वापस लौट रहे थे, तभी उनके डीजे का फ्रेम 11,000 की हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। करंट उतरने के कारण 5 कांवड़ियों की मौत हो गई। इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। मौके पर DM व अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें हिमांशु, महेंद्र, प्रशांत, लक्ष्मी और मनीष शामिल हैं। सभी लोग राली चौहान के निवासी थे। कांवड़ियों में शामिल प्रत्यक्षदर्शी अभिषेक कुमार ने यह जानकारी दी। भैया क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, क्या पूरा मामला हुआ और कैसे हुआ है? ये डाक कावल ला रहे थे जी, हम जेल चुन पे सुबह 10 बजे पहुंचे थे। हम जैसे हम 3 बजे चले नहीं वहाँ से, जैसा दिन छिप रहा था, जैसा हमारे गांव के बाहर मंदिर था उस पर जल चढ़ाने गए थे, मोड़ पर दीजिए था। जैसे मोड़ पर चले ना कदा तो दीजिए का साउंड मैंने चलवाया था, तो ये जो गाता जो है ना वे अटैच होगी 11,000 की लाइन से, जो प्लस वो मैंने फोन करा था डाउन कर दो लाइट। उन्होंने कहते थे ठीक है अभी कर रहे, आधा घंटा हो गया कोई उन्होंने डाउन नहीं करी बिजली। कितने लोग थे आप? आप ग्रुप में गए 14 लम देते हम ग्रुप में। कितने जिन्हें घायल हुए हैं उसमें? उसमें घायल होगी 10। और आपने इसकी सूचना तुरंत दी थी या नहीं? हाँ जी, जब ये पहुंचे थे लेगम भागे भागती कोई सूचना नहीं दी थी, कोई इधर गया अस्पताल में कहती कोई से मंगाया। तो जो एडमिट है वो कौन है आपके? आपके वो भाई लगता है चाचा का लड़का। क्या नाम है उनका? विवेक। दो जने, एक राहुल है एक विवेक। तो कितने लोगों की और घायल की सूचना है, अंदाजा कितने और होंगे? 10 जने थे, 10। दो एक चाचा मेरा, एक छोटा भाई है 9 साल का। इस बारे में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने यह बताया। आज 8:15 के करीब रौली चौहान गांव जनपद मेरठ में जो थाना बावनपुर अंतर्गत आता है उसमें जो उस गांव के लोग हैं वो कांवड़ अपनी लेके DJ के साथ गांव में जा रहे थे, और गांव के पास में ही वहां पे रोड के किनारे 11 केवी की लाइन थी जिसमें उनके DJ का फ्रेम टच होने की वजह से वो लोग उससे झुलसे और उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में 10 लोगों को भर्ती करवाया गया जिनमें से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 लोग हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन हैं जिनका इलाज चल रहा है और 3 लोग अभी सही सलामत हैं। सभी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की टीम, वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए हैं और लगातार उनका पर्यवेक्षण किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि सही तरीके से सभी का इलाज हो, और बाकी की कार्रवाई भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सभी मुहैया करवाई जा रही हैं, और आगे का अपडेट जैसे भी होगा हम लोग आपको अवगत कर देंगे। वहीं इससे पूर्व पुलिस अधीक्षक देहात कमलेश बहादुर ने यह जानकारी दी। ये भावनपुर में राली चौहान से पास एक DJ जा रहा था जिसमें 16 लोगों के होने की बात बताई गई है, जिसमें करंट लगने से लोग झुलस गए हैं। सभी अलग अलग अस्पताल में गए हैं, अभी पता किया जा रहा है कि कहां पे कितने लोग भर्ती हुए हैं और उनकी क्या स्थिति है। अभी कुछ लोगों को पता चला है कि जिनका इलाज चल रहा है और जो कैजुअल्टी बताई जा रही है यहाँ पर, उनको उसके बारे में भी कंफर्म किया जा रहा है कि उनकी क्या स्थिति है और कितने लोग घायल हैं, कितने लोग अभी यहाँ गांव के लोग बता रहे हैं 3 या 4 लोगों की उसकी कंफर्म किया जा रहा है कि कितने लोग सवार थे उस पर। उसमें 16 लोग बताए जा रहे हैं कि 16 लोग उस पर सवार थे। प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है, किसकी लापरवाही से हादसा? ये चूंकि बगल में 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही है, बताया जा रहा है कि शटडाउन लिया गया था लेकिन दोबारा चालू होने से उसमें करंट आने से इस तरह की बात बताई जा रही है, इसको पता लगाया जा रहा है। मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे थे FirstBite.TV। नमस्कार।